Welcome, my dear students. Myself Gourav Bura. Today we will discuss about the metal carbonyls. ठीक है? तो जैसे नाम से ही पता चलता है इसमें metal और carbonyl. यानी कि एक हमारे पास metal है और एक है हमारे पास carbonyl molecule. अब ये carbonyl molecule क्या होता है? Carbon monoxide molecule को हम क्या बोलते हैं? Carbonyl molecule. That is carbon monoxide. That is CO. Okay? कार्बन मोनोऑक्साइड इस मॉलिक्यूल को भी क्या बोला जाता है? कार्बोनाइल. अब इन दोनों को एक साथ क्यों लिखा गया है? मेटल कार्बोनाइल मींस कि एक मेटल जब एक कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? मेटल कार्बोनाइल बनाएगा. अब हम इसमें यह डिस्कस करना है कि मेटल कार्बोनाइल के साथ कैसे जुड़ेगी और उसके जुड़ने के क्या क्या फायदे हैं. ठीक है, देखो मेटल हमेशा से एक क्या काम करता है अब तक, एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन के रूप में. ठीक है, जो एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, एक कार्बोनाइल ग्रुप वो किसका काम करेगा यहां पे? एक लीजेंड का. ये एक्ट करेगा एज ए लीजेंड और ये एक्ट करेगा सेंट्रल मेटल आयन के रूप में. सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के रूप में. ठीक है, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? मेटल कार्बोनाइल. अब हम इसमें यही डिस्कस करना है कि ये कैसे जुड़ते हैं. मेटल कार्बोनाइल्स के ऊपर डिस्कशन 20th सेंचुरी के यानी कि 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में शुरू किया गया था. ठीक है, इस टाइम पे ये कंपाउंड एग्जिस्टेंस में आए थे और इनके ऊपर रिसर्च शुरू की गई थी. उसके बाद से फिर इनके यूजेस, इनकी एप्लीकेशन एक बहुत ज्यादा लेवल तक अब बढ़ गई है. ठीक है, हम बहुत ज्यादा लेवल तक इनका यूज अब करने लगे हैं अपनी डेली लाइफ में भी. तो मेटल कार्बोनाइल, दैट इज मेटल और कार्बोनाइल के मिलने से बनेंगे, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं आर मेटल कार्बोनाइल्स. देखो ये जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं ये पार्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? जिसमें एक ऑर्गेनिक पार्ट हो और दूसरा पार्ट क्या हो? मेटल का. ठीक है, यानी कि मेटल कार्बोनाइल्स एक ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिनमें लीजेंड का काम कौन करता है? कार्बोनाइल मॉलिक्यूल. ओके, लीजेंड का काम कौन करेगा? कार्बोनाइल मॉलिक्यूल. तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स पहले यहां पे देखते हैं कि मेटल कार्बोनाइल्स के एग्जांपल क्या होते हैं. जैसे NiCO4, निकल टेट्रा कार्बोनिल, या उसको हम बोल सकते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकल. ओके, दिस इज ए मेटल कार्बोनाइल बिकॉज मेटल का काम कौन कर रहा है इसमें, या फिर मेटल कौन है इसमें? निकल. और लीजेंड कौन है इसमें? एक कार्बोनाइल ग्रुप. ये इसमें हम देख सकते हैं ये एग्जांपल पेंटा कार्बोनिल आयरन. ओके, ये इसमें हम ले सकते हैं एग्जांपल क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल. या फिर इसमें हम ले सकते हैं एग्जांपल वनेडियम कार्बोनिल 6 टाइम. ओके, हेक्सा कार्बोनिल वनेडियम. इसमें और भी एग्जांपल ले जा सकते हैं जैसे डाइवाल्ट ओक्टा कार्बोनिल. इसको मैं इस टाइप से रीड करेंगे, ओक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट. ठीक है, या फिर इसमें ले सकते हैं डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज. ये सभी एग्जांपल हम इसमें मेटल कार्बोनिल्स में ले सकते हैं. और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं लेकिन हम मेनली इन्हीं एग्जांपल को यहां पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कि इन सभी मेटल कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा वो हम देखेंगे. स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल कार्बोनाइल, स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल कार्बोनाइल. ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम देखते हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल का स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? एक मेटल है यहां पे निकल और चार लीजेंड है कौन? कार्बोनिल मॉलिक्यूल. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल शेप का.
टेट्राहेड्रल मींस की सेंटर में निकल और एक टेट्राहेड्रली ज्वाइन है ये किन से कार्बोनिल ग्रुप के साथ सीओ सीओ ओके टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं इस कंपाउंड की पेंटा कार्बोनाइल आयरन दैट इज सेंटर में आएगा आयरन और ट्राइगोनल ट्राइगोनल मीन्स की तीन ठीक है ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल एक पिरामिडल अपसाइड में दूसरा पिरामिड डाउन साइड दैट इज पेंटागोनल बाई पिरामिड। ये स्ट्रक्चर इस टाइप से आएगा ठीक है दैट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल पेंटागोनल बाई पिरामिडल ये दोनों स्ट्रक्चर हैं इनके। अब हम बात करते हैं हेक्सा कार्बोनिल की क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेंटर में क्रोमियम और ऑक्टाहेड्रली ये ज्वाइन होगा छह कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यहां पे कार्बोनाइल यहां पे भी हेयर इस पोजिशन पे भी और इस पोजिशन ठीक है तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये क्या स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल 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 स्ट्रक्चर ठीक है और सेम यही ज्योमेट्री बनेगी किसके लिए वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल के लिए या फिर इसको कैसे रीड करेंगे हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम के भी क्या स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा ठीक है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर जिनमें एक से ज्यादा मेटल हो दैट इज पहला हम इसमें स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज का ठीक है किसका डेका कार्बोनाइल मींस की कार्बोनाइल कितनी बार आया 10 बार डेका 10 मैंगनीज कितनी बार 2 बार इसका नाम क्या हुआ फिर डेका कार्बोनाइल डेका कार्बोनाइल और मैंगनीज डाई मैग्नीज इसका स्ट्रक्चर क्या होगा डाई मैग्नीज है तो दो मैग्नीज एक दूसरे से कनेक्टेड है एक बॉन्ड के साथ ठीक है। अब यहां पे कितने हैं 10 कार्बोनिल मॉलिक्यूल है तो यानी कि 5 आएंगे इसके हिस्से में और 5 आएंगे इसके हिस्से में तो यहां पे हमें 5 कार्बोनिल मॉलिक्यूल को लगाना है इस टाइप से यहां पे 1 2 3 4 5 5 इसके लिए 1 2 3 4 5 टोटल हो जाएंगे 10 ठीक है दोनों पे 5 5 कार्बोनिल कार्बोनिल यहां पे नील कार्बोनिल कार्बोनिल और यहां पे भी कार्बोनिल ठीक है ये स्ट्रक्चर बना डेका कार्बोनाइल डाई मैग्नीज के लिए ओके दोनों मैग्नीज एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड से अटैच हैं और दोनों पे 5 5 कार्बोनाइल मॉलिक्यूल लगे हुए हैं ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके बाद स्ट्रक्चर किसका ऑक्टा कार्बोनाइल और डाई या फिर डाई मैग्नीज के लिए ठीक है इसमें डिस्कस करते हैं डाई कोबाल्ट एंड ऑक्टा कार्बोनाइल। अब देखो कार्बोनाइल में क्या होता है कार्बन और एक ऑक्सीजन तो दोनों को लिखेंगे सेम साइज का ठीक है इनकी सेम साइज का सी और ओ आएगा
लेकिन कोबाल्ट में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर क्या आएगा कैपिटल और सेकंड लेटर क्या आएगा स्मॉल, ठीक है। तो डाई कोबाल्ट ओक्टा कार्बोनिल, इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, एक कोबाल्ट दूसरे सॉरी एक कोबाल्ट मेटल एटम दूसरे कोबाल्ट मेटल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड। उसके बाद है आठ है इसमें, तो पहले तीन हम इसमें लगाएंगे पे और तीन यहां पे, कोबाल्ट सेकंड कोबाल्ट ठीक है, फिर फर्स्ट कोबाल्ट सेकंड सॉरी कार्बोनिल, ओके फर्स्ट कार्बोनिल सेकंड कार्बोनिल और थर्ड कार्बोनिल, इसी टाइप से हमने तीन कार्बोनिल लगाए हैं। इसमें दोनों कोबाल्ट एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अभी तक अटैच हैं। अब ये कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सिक्स कार्बोनिल्स को हमने इसमें लगा दिया। बचे हैं दो, उनको दोनों के साथ ज्वाइन कराएंगे इस टाइप से, ठीक है। ये जो दो कार्बोनिल मॉलिक्यूल हैं, ये होते हैं ब्रिज पोजीशन पे, मींस ऐसी पोजीशन पे कि ये दोनों मेटल एटम के साथ क्या हो, ज्वाइन हो, कनेक्टेड हो दोनों मेटल एटम से। इस टाइप से ये कार्बोनिल भी दोनों मेटल के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये था, हमने डिस्कस किया था कुछ कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं बॉन्डिंग कि मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग किस टाइप से होती है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ठीक है। बॉन्डिंग देखते हैं, इसमें हमारे पास एक सपोज मेटल है ऐसे और एक है कार्बोनिल, ओके कार्बोनिल। अब कार्बोनिल में जो कार्बन है उसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है, और हमारी मेटल के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। अब क्योंकि हमारी मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके जा सकता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोन पेयर इन लोन पेयर को ये मेटल शेयरिंग ले सकता है, ठीक है। तो जब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा अपने वैकेंट ऑर्बिटल में तो ये लोन पेयर दोनों के साथ किस में आएंगे, शेयरिंग में आएंगे। तो देखते हैं कि कैसे वो शेयरिंग में आते हैं। ये हमने यहां पे एक मेटल सपोज किया, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है मेटल, ठीक है, मेटल ये इसके हैं वैकेंट ऑर्बिटल। अब क्योंकि मेटल है तो उसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट से अंदर वाले में क्या होंगे, फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उसमें, ठीक है। तो ये है इनर ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल, दैट इज डी ऑर्बिटल, ठीक है, ये है इसके फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्योंकि आउटर मोस्ट से अंदर वाले में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, सो दिस इज द फिल्ड डी ऑर्बिटल, ओके दिस इज द फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड दिस इज द वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसी टाइप से ये दोनों भी क्या है, फिल्ड डी ऑर्बिटल और ये क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं कार्बोनिल की, कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसमें ऑक्सीजन के साथ, जिसमें एक बॉन्ड क्या होता है सिग्मा, दूसरा बॉन्ड क्या होता है पाई और थर्ड बॉन्ड क्या होता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, जिसमें क्या करता है ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर की शेयरिंग किसके साथ करता है, कार्बन के साथ। तो ये हम यहां पे शो कर रहे हैं ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स और यहां पे दिखा रहे हैं क्या, कार्बन के ऑर्बिटल्स, और इसमें है वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाए थे ना कि एक कार्बन के पास लोन पेयर होता है, तो हम सपोज कर रहे हैं कि वो लोन पेयर इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब यहां से देखें कि कार्बन का ये ऑर्बिटल क्या है, फिल्ड, और ये दो ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी। इस ऑर्बिटल का नाम है पाई टूपी ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या है पाई टूपी ऑर्बिटल, और ये दोनों क्या है पाई स्टार टूपी ऑर्बिटल, ये भी पाई स्टार टूपी ऑर्बिटल, ठीक है, ये है मेटल के डी ऑर्बिटल्स।
अब इसमें बॉन्डिंग देखते हैं कैसे होती है। सबसे पहले क्या होगा कि कार्बोनिल मॉलिक्यूल अपने पाई 2p ऑर्बिटल से इस मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर का डोनेशन करेगा। ठीक है, यहां से लोन पेयर किसके पास आएंगे, इसमें, तो इन दोनों की क्या होगी, शेयरिंग। अब जब इसमें शेयरिंग होगी तो यहां पे क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसको हम इस टाइप से शो कर सकते हैं कि एक मेटल और एक कार्बोनिल के बीच में क्या बन चुका है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये आएंगे इलेक्ट्रॉन यहां पे, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, इनकी शेयरिंग यहां पे हो चुकी है। अब क्या होगा कि मेटल के पास क्या है, फिर फिल्ड ऑर्बिटल, और कार्बोनिल में क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो क्या होगा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जाएगी कार्बोनिल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, फिर से देखते हैं, कार्बोनिल के फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में, और मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, कार्बोनिल के एम्प्टी ऑर्बिटल में। ठीक है, मेटल के फील्ड से कार्बोनिल के एम्प्टी में, और कार्बोनिल के फील्ड से मेटल के एम्प्टी में। तो ये बॉन्डिंग जो सिग्मा बॉन्ड के बाद हो रही है, ठीक है, ये कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, पाई बॉन्डिंग, और ये कौन सी बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग। यानी कि एक मेटल और एक कार्बोनिल के बीच में एक बॉन्ड तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, ये जो कार्बोनिल के फिल्ड ऑर्बिटल से मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भेजने पर हुआ था, या फिर बोल सकते हैं कि बना था। और सेकंड इज द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो मेटल के फील्ड से इलेक्ट्रॉन कहां पे भेजने पर बना है, कार्बोनिल के वैकेंट ऑर्बिटल में, दिस इज द पाई बॉन्ड। तो मेटल और कार्बोनिल के बीच में एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। अब क्योंकि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स बैक भेज रहा है किसमें, कार्बोनिल में, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम यहां पे, बैक बॉन्डिंग। और ये बैक बॉन्डिंग किस केस में होती है, मेटल कार्बोनिल्स के केस में। ठीक है, तो यहां पे एक इफेक्ट काम कर रहा है जिसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, साइनर्जिक इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या होता है, देखो जैसे सिग्मा बॉन्ड बना वैसे ही पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों बॉन्ड मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों बॉन्ड मिलके मेटल और कार्बोनाइल के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मींस कि बनना चाहिए था एक बॉन्ड, बन रहे हैं दो बॉन्ड। और हम जानते हैं कि एक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, दो बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो मींस दोनों मिलके एक ही काम कर रहे हैं, दैट इज बोथ आर वर्किंग टुवर्ड द सेम गोल। ठीक है, सेम गोल को अचीव करना चाहते हैं, और इनका गोल क्या है, स्टेबिलिटी। ठीक है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन मेटल एंड कार्बन। ठीक है, तो इस तरह के इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, सिनर्जिक इफेक्ट। और मेटल कार्बन में क्या होती है, बैक बॉन्डिंग। ओके, क्योंकि इसमें दो बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो ये सब हमने डिस्कस किया है मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग के बारे में, कि किस टाइप से मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्डिंग होती है। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, कि इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है मेटल कार्बोनिल्स की। इस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि जब तक एक मेटल कार्बोनाइल मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड रहेगा, मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जहां पे सिर्फ एक ही टाइप की मेटल हो, ठीक है, तब तक ये या तो कलरलेस होता है या फिर इसका कलर बहुत लाइट होता है। ठीक है, मीन इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोनोन्यूक्लियर जो मेटल कार्बोनिल होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स, वो क्या होते हैं, आइदर कलरलेस
either colorless or very light color, और वेरी लाइट कलर की होती है, ठीक है। और जहां पे ऐसे मेटल कार्बोनाइल्स हों जिनमें मेटल क्या हो, एक से ज्यादा, दैट इज पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, या क्या होते हैं, ये होते हैं डीप कलर के, ठीक है। इनका कलर बहुत गाढ़ा होता है, डीप कलर, ठीक है। जहां पे मोनोन्यूक्लियर हो वो क्या होंगे, कलरलेस या फिर लाइट कलर के, और जहां पे पॉलीन्यूक्लियर मीन्स की डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर या टेट्रा न्यूक्लियर या फिर इससे ज्यादा मेटल्स जहां पे कंबाइन होके कार्बोनिल्स के साथ मेटल कार्बोनिल की फॉर्मेशन कर रही हो, वो क्या होंगे, डीप कलर के, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो ज्यादातर किस नेचर के होते हैं, वोलेटाइल नेचर के, ठीक है। वोलेटाइल नेचर मींस कि जो इवेपोरेट होते रहते हैं अपने आप। सेकंड पॉइंट क्या है, वोलेटाइल नेचर। थर्ड पॉइंट इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि ये सभी के सभी मेटल कार्बोनाइल्स हाइड्रोकार्बन में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। सोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन्स। और हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि सारे के सारे सोल्यूबल नहीं होते, ज्यादातर हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है Fe2CO9, ठीक है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन में सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। तो हमने इसकी अभी तक तीन प्रॉपर्टी देखी है, एक तो ये इनके कलर के बारे में, सेकंड इनके वोलेटाइल नेचर के बारे में कि ज्यादातर क्या होते हैं, वोलेटाइल नेचर के, थर्ड इनकी सोल्यूबिलिटी के बारे में, ठीक है, कि ज्यादातर किसमें सोल्यूबल होंगे, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। ये थी इनकी प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टी है इनकी जो इनसे थोड़ा अलग है, वो ये है कि मेटल कार्बोनिल्स के जो कार्बोनिल, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या करता है, ये करता है बैक बॉन्डिंग, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन बैक लेता है अपने पास, तो क्यों उसमें होती है बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग की वजह से इसको बोला जाता है पाई एक्सेप्टर, इट इज ए पाई एक्सेप्टर लिगैंड, पाई एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और किसमें लिए थे इसने इलेक्ट्रॉन, कहां पे लिए थे, पाई स्टार 2p में, मींस अपने पाई ऑर्बिटल में इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे, इसलिए ये क्या है, पाई एक्सेप्टर। और पाई एक्सेप्टर लिगैंड का दूसरा नाम क्या होता है, पाई एसिड लिगैंड। ये दोनों नाम इन्हीं के हैं। अब क्योंकि ये पाई एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी हैं उनकी डेल्टा वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, दे इंक्रीज द डेल्टा वैल्यू। व्हाट वाज द डेल्टा वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द T2G एंड EG, ओके, इंक्रीज करते हैं इसको। अब बात करते हैं मेटल कार्बोनाइल्स के यूजेस की, यूजेस ऑफ ये कहां कहां पे यूज होते हैं, दैट इज यूजेस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। इनके यूजेस की बात करते हैं, इनका जो एक यूज है बड़ा फेमस वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में प्रीकर्सर के रूप में, दैट इज यूज्ड एज ए प्रीकर्सर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, कि जब हम लैब में किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेंगे तो उनमें प्रीकर्सर के रूप में किसका यूज किया जाता है, हमेशा मेटल कार्बोनाइल्स का, ठीक है। सेकंड यूज इनका है इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट के रूप में, कि हमारी इंडस्ट्री में
इनका यूज एज ए कैटलिस्ट किया जाता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो यूज एज इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट. ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया है मेटल कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, देन उनकी बॉन्डिंग के बारे में, देन उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और लास्ट में डिस्कस किया है इनके यूजेस के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एप्लीकेशन और उनकी इंपॉर्टेंस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस इन बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, थैंक यू.